नया IBN 7 हौसला है। और आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक अहम बयान दिया है। आपको बता दें कि भारत और चीनी मीडिया फोरम को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने यह कहा कि भारत सरकार चीन के साथ सीमा विवाद को जल्द सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। और साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि भारत चीन की कंपनियों को अपने देश में कारोबार लगाने में मदद करेगा। वी विल मेक इट इजियर फॉर चाइनीज कंपनीज टू डू बिजनेस इन इंडिया एंड एक्सपेक्ट दैट सिमिलर इंकरेजमेंट वुड बी गिवन टू आवर कंपनीज टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इन चाइना। ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन, माय गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एक्सप्लोरिंग एन अर्ली सेटलमेंट। और थोड़ा सा इस खबर को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त और विस्तार से इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रणय, किस तरह से इसको देखा जाए, थोड़ा विस्तार से इसको समझना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप कड़ी में देखें अगर पिछले 8 महीनों में मोदी सरकार का जो ट्रेंड देखें, और इसके पहले भी, मतलब भारत सरकार जिस तरीके से चीन के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रही है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है, 4000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी हमारी सीमा, या कहें कि जो अनिर्णित सीमा है वो भी है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे हम कहते हैं, वो चीन के साथ लगी हुई है। चीन के साथ बहुत बड़ा कारोबार है, तो ऐसे में चीन के साथ संबंधों का संतुलन साधना बहुत जरूरी है। जो मैसेज का खेल है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री भारत सरकार के पहले विदेशी मेहमान थे, वांग यी आए थे जब सरकार ने काम संभाला ही था, और कुछ ही दिन हुए थे और सबसे पहले चीनी विदेश मंत्री आए थे। भारत, चीन और रूस तीनों के की ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए सुषमा स्वराज गई है बीजिंग। ऐसे में जो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एंगेज करके रखना चाहते हैं, एशिया में दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अपने आप में एक यूनिक केस है दुनिया भर में कि जहां दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ बॉर्डर टू बॉर्डर जुड़ी हुई हों, ऐसा कहीं नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रणय, अब जिस तरह से हम बात करें, सोमवार को चीनी राष्ट्रपति जिस तरह से मुलाकात के लिए सुषमा स्वराज विदेश मंत्री से राजी हुए हैं, इसको कैसे देखा जाए, अहम काफी देखा जाए? क्योंकि अगर सीधे सीधे देखा जाए तो मुलाकात इस तरह से होती नहीं है। जी आपने ठीक कहा, बिल्कुल, कि ये सामान्य प्रोटोकॉल नहीं है, सामान्य परंपरा नहीं है। लेकिन जहां देखिए, कूटनीति में, विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं, किस अंदाज में मुलाकात होती है, क्या आप विशेष करते हैं, अगर कहते हैं कि दोनों देशों के संबंध विशेष हैं, खास हैं, तो आप वो खासियत उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, ये उसी का एक कदम है। इससे पहले भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पहले विदेश दौरे पे भारत आए सितंबर में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका खास स्वागत किया, अहमदाबाद में उनसे मुलाकात की। क्या प्रणय, हम इसको ओबामा की जो दिल्ली यात्रा थी उससे जोड़कर भी देख सकते हैं इस कदम को चीनी राष्ट्रपति के? देखिए, मतलब जियोपॉलिटिक्स में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कंटेक्स्ट होते हैं, हर चीजों के संदर्भ होते हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ओबामा के दौरे के दौरान उस यात्रा के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भारत और अमेरिका का आया था, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन और साथ साथ हिंद महासागर में हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी की बात की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बयान है, चीन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और साउथ चाइना सी के ऊपर जो दोनों देशों ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, चीन उसको लेकर स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित है। चलिए बिल्कुल, आप नजर बना